So hello again, welcome back. Let's continue with complex number. Complex number में हमने presentation देखा कि how do we represent a complex number on complex plane, that is Argand plane. अब आगे बढ़ते हैं. Complex number is basically two dimensional concept. एक real axis की तरफ, एक imaginary axis की तरफ. Two dimensional में हमने coordinate geometry पढ़ा हुआ है, vector पढ़ा हुआ है. देन थ्री डायमेंशन में भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है, वेक्टर्स भी थ्री डायमेंशन में होते हैं. बट कॉम्प्लेक्स नंबर इज बेसिकली अ टू डायमेंशनल कॉन्सेप्ट, एक रियल और एक इमेजिनरी. सो टू रिप्रेजेंट एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, टू स्टडी कॉम्प्लेक्स नंबर, वी एक्चुअली नीड टू डायमेंशन. टू डायमेंशन में एक तो उसका रियल पार्ट था, एक इमेजिनरी पार्ट था. दैट्स ऑल गुड. तो सपोज दिस पॉइंट इज एक्स कॉमा वाई, मतलब नंबर क्या ले रहे हैं हम लोग, एक्स प्लस आई वाई. नाउ ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये इसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जैसा आइडिया हो गया, जैसा हम पॉइंट में करते थे 2, 3 -1, 2. एक उसमें और कॉन्सेप्ट होता है 2D ज्योमेट्री में, दैट इज कॉल्ड पोलर कोऑर्डिनेट. पोलर कोऑर्डिनेट जैसा ही यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है. तो बेसिकली द टू थिंग्स, टू डायमेंशन दैट वी आर डिस्कसिंग, तो वी नीड टू डिफरेंट क्वांटिटीज. एक हो गया x, एक हो गया y, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट. सेकेंड आइडिया के हिसाब से अगर हम देखें तो वी टेक टू डिफरेंट थिंग्स एंड दैट इज कॉल्ड मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट. सो वी कैन ऑल्सो डिफाइन एनी कॉम्प्लेक्स नंबर यूजिंग मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट, विच आर एक्चुअली पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ नंबर इन कार्टेशियन प्लेन. कार्टेशियन प्लेन में जो पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं, आर और थीटा, अगर आपको पता है तो दैट इज सेम हियर इज मॉडुलस एंड आर्गुमेंट. नहीं पता तो दिस विल बी समथिंग न्यू फॉर यू. सो द फर्स्ट आइडिया इज मॉडुलस. तो मॉडुलस को हम ऐसा दो वर्टिकल लाइंस के बीच में लिखते हैं, मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस आई वाई. आर्गुमेंट के लिए वी यूज थीटा, और आई कैन से आर्गुमेंट ऑफ जेड, That is argument of x plus iy. इसे हम r से भी denote करते हैं. Now modulus पे पहले work करते हैं. Let's work on modulus first. What is modulus of any number? Modulus word आपने simple number में सुना होगा. 2 का mod 2, -3 का mod 3. फिर आपने vector में mod सुना होगा. ai plus bj का mod under root a square plus b square होता है. ए आई प्लस बी जे प्लस सी के का मॉड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है. वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स प्लस आई वाई, उसका मॉडुलस क्या होगा? तो मॉडुलस के बारे में मैंने आपको बेसिक मैथ्स वाले वीडियो में सिखाया था कि मॉडुलस इज बेसिकली डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, पीरियड. तो अगर ये पॉइंट एक्स प्लस आई वाई है, हमने प्लॉट किया एक्स कॉमा वाई, तो इसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन वॉट इज this distance, this would be the mod, खत्म हो गया. ये जो distance है यही modulus होता है. तो modulus का मतलब होता है distance from origin. We know that this part is x, this part is y, so this part will be under root x square plus y square. So I will say is equals to under root x square प्लस वाई स्क्वायर, खत्म हो गया. इतना ही, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नंबर बिल्कुल वेक्टर जैसा ही होता है. देयर इज अ लॉट ऑफ सिमिलैरिटी बिटवीन वेक्टर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर. देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस इन वेक्टर जो हम कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेप्ट लगा के फास्ट कर पाते हैं. बहुत सारे कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर में हैं जो हम वेक्टर का कॉन्सेप्ट लगा के काफी फास्ट कर पाते हैं. देयर आर टू मच कनेक्शन इन दोज टू, बिकॉज बोथ आर बेसिकली टू डायमेंशनल कॉन्सेप्ट्स. आर्गुमेंट की बात हम बाद में करेंगे, पहले अभी हम मॉडुलस की बात करते हैं. तो मॉडुलस ऑफ एनी नंबर एक्स प्लस आई वाई इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, विच इज एक्चुअली रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर का होल स्क्वायर, सॉरी का स्क्वायर, विच इज एक्चुअली डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ एक्स कॉमा वाई फ्रॉम ओरिजिन. अब मॉडुलस की ज्योमेट्री हम आगे करने वाले हैं. We are going to do a lot of things, a lot of geometry of modulus in the later stage. That will be geometry of complex number. But filhal, we are
least focus on geometry and more on application. So 2 minus 3i ka mod kya hoga? 2 minus 3i ka mod hoga under root 2 ka square plus minus 3i ka square. Is that okay? Actually not okay. This is not okay. मैंने बोला x square plus y square, y के साथ i नहीं होता है, i छोड़ने के बाद जो बचा वो y होता है. So I will say कि this is under root 2 का square plus minus 3 का square and that is root 13. 3 plus i का mod, that will be under root 3 का square 9, i का square minus 1, ना 1 का square and that is root 10. 3 minus 4 iota का mod, 3 minus 4 i का mod क्या हो जाएगा? That will be under root 3 का square 9, minus 4 का square 16 and that gives you 5. Similarly, root 3 minus i का mod क्या होगा? Root 3 का square 3 minus 1 का square 1. Answer is 2. Similarly, let me clean this up now. Now, mod of 2i. 2i का mod क्या होगा? Under root 0 square plus 2 square मतलब 2. Minus 3 iota का mod क्या होगा? Under root 0 square plus minus 3 का square and that is 3. 2 का mod क्या होगा? Under root 2 square plus 0 square. 2 square का कहां से आया? Real part है a और 0 square कहां से आया? Imaginary part. 2 का मतलब 2 plus 0 i. This is called purely real number. Minus 3 का mod. Under root minus 3 का square plus 0 का square, that is 3. एक और नंबर है origin. 0 plus 0 i का mod क्या होगा? Under root 0 plus 0 equal to 0. क्योंकि origin का origin से distance क्या होगा? 0 होगा. Origin का minus 3 से distance क्या होगा? Let's say minus 1, minus 2, minus 3. Origin का minus 3 से distance होगा 3. तो वो 3 आ गया. So this is basically idea of modulus. Mod का मतलब होता है distance from origin under root x square plus y square, as simple as that. There is nothing very special about it. It is a simple magnitude. It is also called magnitude. This is also called magnitude. एक mod of vector में भी आपने देखा था, बिल्कुल सब कुछ ऐसा ही होता है, under root a square plus b square ही होता है. 3D में j अगर k कंपोनेंट भी है तो अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर आ जाएगा. फिर एक दो तीन फॉर्मूले होते हैं वेक्टर्स में. एक आपको याद हो तो मॉड ऑफ a प्लस b का होल स्क्वायर होता है. मॉड ऑफ a प्लस b का होल स्क्वायर होता है, वो प्रॉपर्टीज में आएगा. वैसे ही सेम टू सेम यहां कॉम्प्लेक्स नंबर में भी आता है. बट फिलहाल दिस इज वेरी सिंपल आइडिया ऑफ मॉडुलस, सो आई एम वाइंडिंग इट हियर. नेक्स्ट वीडियो में आई विल डू आर्ग्यूमेंट और उसके बाद देन वी विल गो टू प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट एंड वी विल डू मोर एंड मोर थिंग्स. सो टिल देन थैंक यू.